और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 67 में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जो दमकल कर्मी है वो जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां जुटी हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये देखिए, आर्किटेक्ट डिजाइनर के दफ्तर में ये भीषण आग लगी है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, और जो दमकल कर्मी है उन्हें मौके पर बुलाया गया है। 6 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस आग पर काबू पाया जाए। तो नोएडा के सेक्टर 67 में ये एक कंपनी बताई जा रही है जिसमें अचानक से आग लगी और अब दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। नोएडा के सेक्टर 67 स्थित 5th फ्लोर पर अचानक आग लग गई है। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि आग यहां पर भाई कॉर्पोरेट ऑफिस चलाया जा रहा है जिसमें आग लगी है। वहीं अभी मौके पर मौजूद तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, हम 5th फ्लोर पर ही मौजूद हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से दमकल विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पाने की जद्दोजहद जारी है और काफी हद तक काबू पा भी लिया गया। देखिए मौके पे खुद CFO यहाँ पे मौजूद है, वह आला अधिकारी मौजूद से बात कर। सर, ये आग लगने की वजह क्या है? इनिशियली ये शॉर्ट सर्किट है। हमें 10:25 पे सूचना मिली कि सेक्टर 67 B34 के 5वें तल्ले पे आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं, हम लोगों ने मौके पे मुआयना किया है, ऊपर में कोई आदमी फंसा हुआ नहीं पाया गया है। इनके स्प्रिंकलर सिस्टम काम किए हैं जिसकी वजह से आग का जो है फैलाव ज़्यादा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कोई जनहानि की अभी तक सूचना नहीं है। नोएडा संकेत कोशी के VP गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें रायबरेली से, जहां रायबरेली में सुरेश यादव के परिवार से मिलेंगे सपा नेता। सपा का प्रतिनिधिमंडल सुरेश यादव के परिवार से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि सोमू ढाबा के मालिक 2 साल से सुरेश यादव जेल में इस वक्त बंद है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सुरेश यादव के परिवार से सपा नेता मिलेंगे। आपको बता दें सोमू ढाबा पर हुई कार्रवाई को लेकर DM से भी सपा नेता मुलाकात करेंगे। सपा के डेलीगेशन में नरेश उत्तम पटेल, पंकज मलिक शामिल है। सपा विधायक अतुल प्रधान और रायबरेली के 4 विधायक भी इस डेलीगेशन में शामिल है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, सोमू ढाबा के मालिक से मुलाकात करेंगे सपा के डेलीगेशन। अखिलेश यादव की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और अब जल्द ही जो सपा का ये डेलीगेशन है वो सुरेश यादव के परिवार से मुलाकात करेगा। और अगली बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में ट्रक गहरी खाई में गिर गया। ईंट से भरा ट्रक खाई में गिरने से ड्राइवर घायल हो गया है। नेशनल हाईवे 730 के मोहनीपुर के पास यह हादसा हुआ है और कोहरे की वजह से ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की, किस तरीके से कोहरे की वजह से अचानक से जो ये ट्रक था वो खाई में गिर गया। ईंट से भरा ये ट्रक बताया जा रहा है जो कि अचानक से खाई में गिर गया। हालांकि ड्राइवर इसमें घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।